दोस्तों ये स्टार्टर है थ्री फेस का, स्टार डेल्टा स्टॉप, तीन बटन में है ये। स्टार डेल्टा स्टॉप जो मोटर होती है, स्टार डेल्टा, उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। दोस्तों इसकी कोयल जो है नीचे कॉन्टेक्टर की, वो ख़राब है, इसकी कोयल को नई डालेंगे। ये देखिए ये इसकी नई कोयल है जो जल चुकी थी, अब इसको हम नई डालेंगे इसके अंदर, और आपको दिखाएंगे कि इसकी जो कोयल है उसको कैसे डाला जाता है कॉन्टेक्टर की, और इसकी टोटल फिटिंग जो है फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। इसकी कोयल को दोस्तों हमने खोल दिया था, ये देखिए इसकी कोयल जो है, ये ई है जो कॉन्टेक्टर के अंदर लगती है। ये ई किसी से कसी नहीं जाती, इसको ऐसे ही रखा जाता है बीच में, जब इसमें ऐसे हम जो कॉयल है इसको डालेंगे। अब ये देखिए अब इसमें ऐसे कॉयल डाल देंगे, इसको डाल दिया। अब दोस्तों इसकी कॉयल को हमने इसमें ऐसे ही रखना है, फिर इसके नीचे दो स्क्रू हैं, ये देखिए ये स्क्रू हैं, ये स्क्रू लगाए जाएंगे इसकी कोयल की फिटिंग करने के लिए। अब इसकी कोयल को फिट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर दो स्क्रू जो है कसे जाएंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसे कसेंगे, यहां से इसको कस दिया कोयल को। अब ये हमारी जो कोयल है पूरी तरह से यहाँ टाइट कर दी। अब फिर इसको ऐसे करते हैं। अब ये दूसरा है, ये ऊपर की ई है इसकी, इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये ई को ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ई फिक्स है, इसलिए ये ऐसे ही लगेगी, क्योंकि कई जगह ई में क्या होता है, यहाँ पर ई बिल्कुल साफ होती है, यहाँ पर कट होता है, उसकी ई की पहचान करनी पड़ती है, लेकिन इसमें दोनों तरफ कट हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी, इसलिए आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये जो पत्ती होती है, ये पत्ती जिस तरफ जो बटन होते हैं उस तरफ लगाई जाती है। अब इसको ऐसे लगा दिया। अब एक बार इसके सभी के सभी स्क्रू टाइट करेंगे, यहाँ यहाँ स्क्रू लगते हैं, ये देखिए। अब दोस्तों इन सभी स्क्रू को, ये चार स्क्रू हैं यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर को टाइट करते हैं, इनको कसेंगे, ये कस दिया। अब इसको भी कसेंगे, ये भी, यहाँ से हमारा जो कॉन्टेक्टर है पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। अब दोस्तों ये टाइट हो गए सभी के सभी। अब इन सभी स्क्रू को लगाते हैं, ये जो पत्ती होती है यहाँ कॉपर की पत्ती, ये कॉपर की पत्ती, ये सभी को टाइट करते हैं। अब दोस्तों इन सभी स्क्रू को टाइट कर दिया, ये जो है अब इसको लगाते हैं यहाँ पर। ये कनेक्शन करते हैं इसका। इसको भी जोड़ दिया। अब इसके साइड जो है दूसरी साइड है, अब इसको भी जोड़ते हैं इस तरफ।
यहाँ पर इसके साथ हम नीचे वर्सल लगाते हैं, दोस्तों इस तरीके से स्क्रू को टाइट करें ताकि आपकी पत्ती जो होती है उसमें नट जो होता है स्क्रू जो है फ्री ना हो। अब ये कनेक्शन हो गए। अब ये कॉयल की तार है दोस्तों, ये कॉयल होती है एक तार इसकी, इसके साथ अब नीचे जाते हैं, ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए। अब ये रेड जो तार है इसकी कॉयल की, आप रेड कोई सी भी कॉयल की तार लगा सकते हैं, इसमें रेड और ब्लैक का कोई ऐसा चक्कर नहीं है क्योंकि एसी करंट होता है, एसी सप्लाई, इसमें दिक्कत कोई नहीं है। अब इसके साथ जोड़ेंगे दोस्तों इस कॉइल की जो तार है, इस तार इस पॉइंट के साथ, ये देखिए ये जो नीचे से ये निकला है यहाँ पर, ये टाइट होगी कॉइल। अब एक बार इसको जोड़ के आपको दिखाते हैं और इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब दोस्तों इसके साथ इस कॉइल की तार को कस दिया। अब जो दूसरी तार हमारी बसती है, दूसरी तार अब दोस्तों जो हमारी कॉइल थी उसकी दूसरा सिरा है, जो काले वाला सिरा है, उसको यहां पर जोड़ेंगे। ये यहाँ पर इसको टाइट कर दिया, ये देखिए। अब आपको दिखाते हैं, ये दो कॉइल है, ये कॉइल और ये कॉइल, ये दोनों कॉइल की जो तार है इकट्ठी होके इस पे लगती है बैक साइड में, ये स्टार्टर की बैक साइड होती है, ये देखिए। ये फर्स्ट जो कॉइल है, सेकंड कॉइल है, इन दोनों की जो दोनों तारे हैं वो यहाँ से उनको सप्लाई दी गई है, और एक जो कॉइल का दूसरा सिरा यहाँ का सिरा है इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। अब दोस्तों इसमें कॉइल डाल दी, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, एक बार चेकिंग करते हैं कि ये सही जो है इसकी कॉइल जो हमने डाली थी वो सही तरीके से लग गई है या नहीं। अब इस स्टार्टर को हमने जो है सप्लाई कहाँ से देनी है, यहाँ से इस स्टार्टर में बीच में से है सप्लाई दी जाती है स्टार्टर को चलने के लिए। एक इसमें कसते हैं और दूसरी इसमें कसते हैं। इसको थ्री फेस पे हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि इसको सबसे पहले हम सिंगल फेस पे चेक करेंगे 220 वोल्ट ओनली के ऊपर इसको चेक करेंगे। अब लगा दिया, अब एक बार इसको देते हैं सप्लाई। सप्लाई के बाद देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं जैसे हमने सप्लाई में इसकी तार लगाई, देखिए। अब एक बार आपको कॉन्टैक्टर दिखाते हैं। सबसे पहले ये सभी के सभी हमारे कॉन्टैक्टर हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये देखिए ये। अब पहले ये कॉन्टैक्टर हमारा जो है काम करने लग गया है, और दूसरा अब ऐसे करेंगे, अब ये नीचे हो गया, ये लग गया, अब दोनों ये जुड़ गए। दोस्तों यहाँ पर जो है थ्री फेज की सभी तार लगेगी, देखिए यहाँ पर LT लिखा, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर मोटर की तार लगेगी, यहाँ पर भी मोटर की लगेगी। इस मॉडल में ऐसे है दोस्तों, सभी स्टार्टर ऐसे नहीं होते, सभी के अंदर फर्क होता है। किसी की सप्लाई की यहाँ पर तारें लगती हैं, किसी की यहाँ पर लगती हैं, इसकी बीच में लगती हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ओके हो चुका है, देखिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।